ये जो इमोशनल साइड है आपका, 15 साल से ज्यादा वक्त गुजरात में, 10 साल यहाँ केंद्र में, एक बहुत ही कड़े प्रशासक के तौर पर आपकी एक इमेज जो है निकल कर आई है, लेकिन हाल के दिनों में ये दिख रहा है कि आपका एक कोमल मन है जो रह रहकर बाहर आ जाता है। आप बहुत इमोशनल आदमी है लेकिन उसे दुनिया से छुपाते हैं। ऐसा है कि अब टीवी का जमाना है तो लोगों को पता चल जाता है, ये कोई बाद में आई हुई चीजें नहीं होती हैं, जन्मजात होती हैं। और वो शायद मेरी स्ट्रेंथ भी है, दुनिया के नजरों में वो वीकनेस भी है, और विरोधियों के लिए ताना मारने का एक अवसर भी है। लेकिन मैं इन सब से परे हूं। मोदी आपका बच्चा है, आपने इसको बना बनाया है, आपने इसको पाल करके बड़ा बनाया है। कुछ कमी रह गई मैं ठीक करूंगा, अच्छा होगा तो आगे बढ़ाऊंगा। मैंने दो पर्सनालिटीज आपकी बताई, एक तो बेहद इमोशनल, एक कड़ा प्रशासक, लेकिन आपके विरोधी इन दोनों के इतर एक ऐसी इमेज आपकी उकेरते हैं जिसमें आप ऑटोक्रेट हैं, तानाशाह हैं, जहां आपके कोई राजनीतिक साथी साथ नहीं होते हैं, आप किसी का साथ पसंद नहीं करते। वो कहते हैं ये आदमी क्या समझेगा परिवार, इसका तो परिवार ही नहीं है। सचमुच में सवाल उनको पूछना चाहिए कि आप देश के लिए निकले हो, परिवार के बाहर कब निकलोगे, ये सवाल उनको पूछना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी का पूरा कैंपेन फैमिली कैंपेन बन गया है, बाकी सारे दल इंडिया अलायंस के हैं। आप तमिलनाडु देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप कर्नाटका देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप आंध्र देखिए, परिवार कैंपेन कर रहा था। आप तेलुगु तेलंगाना देखिए, परिवार कैंपेन। आप उत्तर प्रदेश देखिए, दो परिवार कैंपेन कर। जम्मू कश्मीर देखिए, दो परिवार कैंपेन कर रहे हैं। सवाल मीडिया के उनको होने चाहिए कि क्या हुआ कि इतने साल के बाद भी आप परिवार से बाहर निकल क्यों नहीं पाते हो। मैं परिवार से जुड़ा नहीं हूं, ये गुनाह नहीं होना चाहिए, गर्व होना चाहिए। ये लोकतंत्र की सबसे ऊंची अमानत है कि जो इंसान अपने परिवार के लिए नहीं जीता है, जो इंसान देश को अपना परिवार मानता है, मेरा भारत मेरा परिवार, उसके लिए जीता है। अब ये क्वेश्चन मार्क लग जाए तब मुझे होता है कि क्या इरादे होंगे। हम ज्यादातर उन जगहों पर जाते हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता भारी संख्या में है। पहले आलम अलग था, और आज की तारीख में मैं आपको पूरी गंभीरता से और संजीदगी से कह सकती हूँ कि ऐसे ऐसे मुसलमान आगे आते हैं जो आपके लिए जान दे सकते हैं। और एक उनका वाक्य है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है, बड़ा जोर शोर से ऐसे करते हुए नजर आते हैं। बावजूद उसके आप उस धारणा को तोड़ने में क्या नाकामयाब रहे हैं कि मोदी मुसलमानों का नहीं है? पहली बात यह है कि ये मुद्दा मुसलमान का नहीं है। इंडिविजुअल मुसलमान कितना ही मोदी के साथ होगा, लेकिन एक निश्चित विचार प्रवाह है जो उनको आदेश करता है कि आप ये करो या वो करो, उसके आधार पर वो निर्णय करते हैं। जहां तक मोदी का सवाल है, एक तो मैं स्कूल में, एक तो मेरा जो घर है ना, मेरे अगल बगल में सारे मुस्लिम परिवार है, तो हमारे घर में ईद भी मनती थी, हमारे घर में और भी त्यौहार होते थे। मेरे घर में ईद के दिन खुद का खाना नहीं पकता था, सारे मुस्लिम परिवारों से मेरे यहाँ खाना आ जाता था, क्योंकि मेरे परिवार, हम रहते वहीं हैं, मेरा घर वहीं है, मेरे यानी 5 कदम के बाद मुस्लिम परिवार है। जब मुहर्रम निकलता था तो हमारा कंपल्सरी होता था कि उससे नीचे से निकलो, जैसे परिक्रमा करते हैं ना मंदिरों की, ताजिए के नीचे, हाँ, तो ताजिए के नीचे से निकलो, हमें सिखाया जाता था। तो मैं उस दुनिया से पला बढ़ा हूँ, आज भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं पुराने। दूसरा, 2002 के बाद मेरी छवि बहुत खराब हो गई, खराब कर दी गई गोधरा के बाद। तो मैंने सोचा भाई जरा रियलिटी जाननी चाहिए,
तो मैंने हमारे 30 कार्यकर्ताओं का, युवाओं का एक ट्रेनिंग कैंप किया और उनको सर्वे करना सिखाया मैंने। सर्वे मतलब वो आंकड़ों वाला सर्वे नहीं, बातचीत कैसे करनी, बात कैसे निकालनी। अहमदाबाद में एक माणिक चौक करके जगह है, वो माणिक चौक में शाम को लोग खाना खाने जाते हैं, खावा नोने पीने, पर वहां दिन में जो बिजनेस है सारे व्यापारी हैं और खरीदार सारे हिंदू हैं। बड़ा यूनिक सा मार्केट है, मतलब सारे व्यापारी मुसलमान, सारे व्यापारी मुसलमान हैं और सारे खरीदार हिंदू हैं। और वो इतनी भीड़ होती है जी, पैदल नहीं चल सकते आप, साइकिल को तो लेके जाना इम्पॉसिबल है। अब दिवाली में बड़ी बहुत है ना, आप अंदर गए 2 घंटे से निकल नहीं सकते और हर प्रकार की चीजें बिकती है वहां। मैंने कहा मुझे उसी मार्केट में सर्वे करना है, वहां सर्वे करो। तो मैंने लड़कों को भेजा और मैं डेली रिपोर्ट लेता था। वो गए, पूछते थे कि आप बताइए दिवाली कैसी है। नहीं नहीं यार, दिवाली बहुत अच्छी है, ये मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं अभी आपसे पूछने वाली थी, 2002 की बात कर रहा हूँ। अच्छा। बोले दिवाली बहुत अच्छी है। फिर वो कहता था उसको जरा चुभने के लिए, वो कहता था ठीक है मोदी बैठा यार दिवाली, हे मोदी का नाम मत लो। ये बच्चा होता था उनका, बोले इसकी माँ सुनेगी ना तो मुझे रात को खाना नहीं देगी। बोले क्यों? अरे बोली मोदी नहीं आया ना तब तक ये स्कूल नहीं जाता था। बोले मोदी आया तो स्कूल जा रहा है, ये दिवाली की छुट्टी है तो मेरे यहाँ दुकान पे मेरी मदद कर रहा है। बोले पहले कभी दुकान पे नहीं आता था, बोले मेरा सर फूट जाता था। बोले उसकी माँ इतनी खुश है कि मेरे बच्चे सब, उनका जीवन बन रहा है। तो बोले मोदी के खिलाफ मेरे घर में मत बोलो बोले। और करीब करीब 90% दुकान वालों का, तर्क अलग अलग होंगे, यही जवाब था। दूसरा, मुझे कुछ महिला एक बार मिल जाए, मुस्लिम महिला, तो बड़ी बधाई दे रही थी, फिर कुछ अपेक्षाएं लेकर के आई थी। मैं कहा क्या बधाई? बोले वो जुहापुरा की थी, और जुहापुरा वो है जहाँ करीब 3-4 लाख मुसलमान का एक घेटोज है। तो बोले हम वहां से आए हैं। तो मैंने कहा कोई तकलीफ है क्या, कोई पुलिस वाला, कोई सरकार कुछ हैरान करती है आपको क्या? नहीं नहीं बोले साहब, हम तो आपके अभिनंदन करने आए हैं और कुछ काम लेके आए। मैंने कहा बताइए। बोले आपने बिजली का काम किया ना, बहुत अच्छा किया। मैंने कहा कहाँ, वो तो मैंने बहुत बुरा किया है। मैंने कहा मैंने 35 किलोमीटर केबल उस इलाके, 35 किलोमीटर केबल उखाड़ के फेंक दिया है और वहां कोई सरकारी आदमी नहीं जा पाता था। बोले साहब वही अच्छा काम किया है। मैंने कहा कैसे, मैंने तो बिजली काट दी, मैंने तो केबल काट दिए। बोले नहीं साहब, हमारे यहाँ आपका तो एक बोले बिजली मंत्री है। हाँ। हमारे यहाँ हर मोहल्ले में बिजली मंत्री है। और बोले बिजली दे करके वो हमसे पेमेंट लेते थे, केबल उनके थे। बोले सरकार की बिजली चोरी करके हमको बेचते थे, हमारे पैसे बहुत जाते थे। बोले अभी रेगुलर बिजली मिल रही है, कोई हमें दादागिरी नहीं करता है। बोले इसलिए हम आए हैं। पहले मेरे पर अखबारों में उस समय अखबार, मोदी ने वहां पर जुल्म कर दिया, सारे केबल काट दिए। एक्चुअली मैंने उनका भला किया। तो ऐसा मेरे जीवन में सैकड़ों घटनाएं हैं जी, लेकिन मैं इसका मार्केटिंग नहीं करता हूं। क्यों? मेरा पहले से मंत्र रहा है सबका साथ सबका विकास।